NIOS एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बड़ी उम्मीद से अपना करियर ब्राइट करने के लिए एडमिशन लेते हैं। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अफसोस उनके सपने को पूरा करने में साथ देने वाले कम और सपने बर्बाद करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट सही गाइडेंस के साथ सही प्लेटफॉर्म पर स्टडी करते हैं वो तो सक्सेस कर जाते हैं, बट दुख की बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और रॉन्ग प्लेटफॉर्म को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। ये वीडियो आपको आखिर तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी उन ड्रीमर्स की लिस्ट में आते हैं जो लाइफ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपके स्टडी को और बेटर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे अपडेट्स आपके सिलेबस रिगार्डिंग चैप्टर्स, लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस, ऑन डिमांड की तैयारी, सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ऑन डिमांड पेपर वालों के बारे में। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। आप भी मुझे पर्सनली मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है NIOS से रिगार्डिंग, तो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा बिना किसी फी के, बिना किसी चार्ज के। मैं हमेशा और हमारा चैनल आपके हेल्प के लिए तत्पर था, है और हमेशा रहेगा। तो सवाल जो बच्चों ने मुझसे पूछा है वो ये सवाल पूछा है कि सर, अगर मान के चलिए कि हम ऑन डिमांड पेपर देते हैं, तो अगर हम ऑन डिमांड पेपर देते हैं तो ऑन डिमांड पेपर जैसे एक सब्जेक्ट का दिया या दो सब्जेक्ट का दिया, मैक्सिमम चार सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, मिनिमम एक सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। तो अगर हम ऑन डिमांड पेपर जो है देते हैं तो जो मेरा पिछला मार्कशीट है, जैसे मान के चलिए पिछला में आप पास भी हो सकते हैं लेकिन भाई कुछ नंबर में आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप ऑन डिमांड देना चाहते हैं, या हो सकता है कि सब्जेक्ट में आपका एस बाई सी टी लगा हो, यानी कि थ्योरी में आपका नंबर कम आया, फेल हैं आप, आपको ये भी लग सकता है, या आप हो सकता है प्रैक्टिकल में आपका हो, तो वो वाला जो मार्कशीट है हमारा, जो पुराना मार्कशीट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, यानी आपको मिलना ही मिलना है। अभी जो ऑन डिमांड पेपर देंगे तो इसमें तो दो ही सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आएगा, तो क्या फिर हमें दो दो मार्कशीट लेके चलना पड़ेगा? अच्छा नहीं लगता ना कि हम ये वाला मार्कशीट लेके चले, फिर ये मार्कशीट लेके चले, देखिए ये वाला इसमें एस वाई सी टी लगा, ये हम फेल हैं, और इस वाले मार्कशीट में केवल दो सब्जेक्ट, ये तो नहीं लगता ना। तो बच्चों इसके लिए एक तरीका है, तरीका ये है कि जैसे मान के चलिए आपके दो मार्कशीट आ गए, एक तो आपने जो पिछला पेपर दिया उसका आपने फेल पास जो भी है उसमें सारे सब्जेक्ट में जैसे भी आप है वो मार्कशीट आपका मिल गया, दूसरा आपने ऑन डिमांड दिया है यहाँ पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉम्बाइंड मार्कशीट का। जब आप कॉम्बाइंड मार्कशीट का करेंगे तो कॉम्बाइंड मार्कशीट में क्या होगा वहां पर कि आपका जो प्रीवियस वाला है और जो अभी वाला है वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और दोनों का एक फ्रेश मार्कशीट आपको दे देगा। तो यही वो जानकारी थी जो आपके मन में आ रहा था कि मार्कशीट को लेकर सर हम क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ आपके मन में चल रही थी। इसके अलावा अगर आप ऑन डिमांड की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि भैया ऑन डिमांड की तैयारी, हमारे पास 10 दिन का टाइम है, हमारे पास केवल 5 दिन का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो आप जो है यहाँ पर VVI क्वेश्चन सीरीज परचेज कर सकते हैं या पूरा सिलेबस परचेज कर सकते हैं, जिसका मैंने बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा है। अगर आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन सीरीज परचेज करते हैं जिसमें VVI क्वेश्चन सीरीज के PDFs भी होंगे, वीडियोज भी होंगे, तो ओनली आपको 399 पे करना है और वहाँ आपको पूरा का पूरा जो है VVI क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाता है। आप चाहते हैं कि भैया हम पूरा सिलेबस ही लेना चाहते हैं सर, हम चैप्टर में फंस जाते हैं, तो आपको केवल 599 पे करना है सिंगल सब्जेक्ट का। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पूरा सिलेबस लेते हैं, VVI क्वेश्चंस भी रहेगा, हैंड रिटन नोट्स भी रहेगा, पूरा चैप्टर्स रहेगा, एवरीथिंग A to Z पूरा सिलेबस रहेगा, केवल 999 दो सब्जेक्ट का है। और ये तैयारी इतनी बिंदास तरीके से आपकी होगी कि अभी 1.5 महीने मैंने केवल तैयारी करवाया था अप्रैल 2022 वाले सेशन का, तो नंबर इतना बढ़िया आया, मतलब 95 मार्क्स केमिस्ट्री में आया, 80% से ऊपर उन लोगों ने अदर अदर सब्जेक्ट्स में लाए। तो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, द कॉन्सेप्ट, द NIOS सिलेबस। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, इट्स अ डिफरेंट सिलेबस। के लोग कहते हैं सर NCERT पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा क्या? एक तो आपका ऑन डिमांड पेपर है और ऑन डिमांड पेपर में आपके पास टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। आप पीछे देखिए लैपटॉप में चल रहा है, वहां पर मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरह से अपने स्टडी को और बेटर कर सकते हैं जहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को आपको करवाया जाएगा, लेकिन ऑन डिमांड का लाइव क्लास तो होता नहीं है, तो आप घर पर तैयारी कीजिए, मैं सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपको दे दूंगा।
तो कुछ डाउट थे जो मैंने आपको दिया, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चों का डाउट थे, जैसे ऑन डिमांड पेपर को लेकर बच्चों का डाउट ये था कि सर इसमें टीएमए के चैप्टर्स आते हैं कि नहीं आते, बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है। देखिए क्योंकि इसमें जो है टीएमए नहीं होता, ऑन डिमांड में टीएमए नहीं होता है, केवल आपको पब्लिक एग्जाम देना होता है जो कि 80 मार्क्स का है, और आपका क्या हो गया प्रैक्टिकल हो गया जो 20 मार्क्स का हो गया, तो आपको फिर 80 में 33% लाना पड़ेगा। आप ये मान के चले अगर 27-28 नंबर आपको लाना पड़ेगा, राइट। अब प्रैक्टिकल में तो आप पास कर ही जाएंगे, खैर कोई फेल नहीं करता उसमें। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ऑन डिमांड पेपर में आते हैं तो टीएमए आपको सबमिट नहीं करना होता है, तो थोड़ा सा पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ टीएमए का नंबर आपको अलग से मिल जाता था और यहाँ रिटेन ही आपको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस लेंगे या जैसे ही पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। बात रहे टीएमए चैप्टर के क्वेश्चन की, तो कुछ एकाध क्वेश्चन पूछता है लेकिन ना के बराबर है, ज़्यादातर आप पीई वाले चैप्टर्स पर ही फोकस करेंगे जो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो डाउट मैंने आपको दिया, और भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, जैसे कि ऑन डिमांड पेपर को लेकर उनके मन में डाउट आता है कि सर एडमिशन कहाँ से लें, एडमिशन का तरीका क्या होगा। तो देखिए एडमिशन आप खुद अपने फ़ोन से लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तरीका, आप मैंने वीडियोस पे बनाया है, आप जाइए उसको देखिए, खुद ही आप अपना एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी गलत हाथ में फंस गए तो आपको ना पैसे तो लेगा ही लेगा, आपका करियर भी बर्बाद कर देगा, वो शायद आप पेपर दे भी नहीं पाए, ऐसा ऐसा भी कर देता है। तो ऑन डिमांड में आपको किसी को एक्स्ट्रा फी नहीं करना, अगर आपने पिछला एडमिशन ले रखा है तो आपको केवल एग्जामिनेशन फी देना है, लगभग 550 रुपये के आसपास है। प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट में है तो 200 रुपीज़ आप उसमें प्रैक्टिकल का देंगे, हॉल टिकट आपको मिल जाएगा। और जैसे ट्रेन में आप टिकट कराते हैं ना जिसमें आप सीट देखते हैं, वैसे यहाँ पर जो है, जैसे अभी मान के चलिए कि अक्टूबर, अभी रिजल्ट निकल गया, जून चल रहा है यहाँ पे, तो जून चल रहा है तो आप जून से लेकर सितंबर तक का ऑन डिमांड पेपर चलेगा आपका। तो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टडी सेंटर्स पर जो है अलग अलग, मतलब अब डेट तो अलग अलग है, तो उसमें आपको उसमें सीट देखना पड़ेगा कि जिस डेट में आप देना चाहते हैं उस डेट में सीट है या नहीं है, पहले से फुल हो चुका है, या कई बार आपको जो एनआईएस का नोएडा में हेडक्वार्टर है वहीं बुला लेते हैं, वहीं पर आपको देना होता है, इस बार ही बुला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि एडमिशन खुद लेना है हमें, अगर इस डेट में नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डेट में करेंगे, खुद से ट्राई कीजिए, कोई ज़्यादा फी आपको पे भी नहीं करना, केवल एग्जाम फी आपको सबमिट करना है, टीएमए का कोई लफड़ा है नहीं, घर पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिंदास तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा करके नंबर लाइए, यही कुछ चीज़ें हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपको बच जाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और ऑन डिमांड को लेकर स्पेशल मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसको आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, जो स्पेशल मैंने ऑन डिमांड के वीडियोज बनाए हैं, ऑन डिमांड को चीज़ें बनाई है। तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आप ऑन डिमांड पेपर दीजिए, अच्छे नंबर लाइए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।